तो आइए हम बात करते हैं MIM के अब्दुल नाजिम साहब, जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं। नाजिम साहब, आपका IN24 में स्वागत है। सर, अभी 2019 के इलेक्शन को लेकर आपकी क्या तैयारी है? सर, अभी हाल ही के अंदर औरंगाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर्व आधार मुंशी साहब ने ऐलान किया है कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जा रहे हैं। हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में शामिल हुए हैं और MIM ने और अलहाद बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी साहब ने प्रकाश अम्बेडकर साहब को अपना बड़ा भाई माना है और उनकी क़यादत में आगे किए। क्या सोचकर आपने प्रकाश अम्बेडकर जी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया? कोई दूसरी से बहुत सारी पार्टी थी जिससे आप हाथ मिला सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों, क्या सोचकर आपने मिलाया? साहब देखिए, हम दोनों भी जो समाज है, मुस्लिम समाज और दलित समाज जो है, दोनों भी वंचित है, दोनों भी पिछड़ा हुआ है। जो हम लोगों के मसले हैं, एक है आज मुसलमानों को गाय के नाम पर और छोटी छोटी चीज़ों के नाम पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, हर चीज़ की बंदिशें लगा दी गई है। उसी तरीके से जो दलित समाज है, ऐसे समाज है, वो भी पिछड़ा हुआ है, उनके ऊपर भी आज संविधान के ऊपर आचाई हुई है। तो आज हालात ऐसे हैं कि दोनों समाजों को साथ में आना चाहिए और दोनों समाजों ने साथ में आकर ये जो दहशत का जो लोग माहौल बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस हिसाब से हम दोनों भी समाज साथ में, एक समाज और था इनके साथ में जो ये और साथ में दे सकते थे, वो था सिख समाज, पर उन्हें क्यों नहीं? साहब, हमारे यहाँ सभी के लिए रास्ते खुले हैं, हमने किसी को भी मना नहीं किया है। ऐसा नहीं है वंचित आघाड़ी के अंदर के बस बौद्ध और मुस्लिम ही रहेंगे, हमारे यहाँ सभी के लिए रास्ते खुले हैं। जो जो संगठन हमारे साथ में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। यानी कि सर्वधर्म समावानी की नीति अपनाने वाली MIM पार्टी, जो हम जिनसे नाजिम साहब से बात कर रहे हैं। नाजिम साहब, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप कितने लोगों की नियुक्ति करते हैं या कितने लोगों को अभी तक आपने अपॉइंट किया इसके अंदर? देखिए, MIM जो है 2014 के दिसंबर के अंदर अमरावती शहर के अंदर आई थी और 2015 से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम शुरू किया है, जिसके अंदर दरियापुर, अंजनगांव सुरजी और चांदूर बाजार, तीन जगहों पे हमने चुनाव को फेस किया है। नगर पालिका के चुनाव हुए, अंजनगांव के अंदर हमारे तीन नगर सेवक है, अंजनगांव में हमारा जो नगर अध्यक्ष का जो कैंडिडेट था वो सेकंड नंबर पे था, हमारा कैंडिडेट दरियापुर में नगर अध्यक्ष का थर्ड पर था। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरे ज़िले के अंदर जो सामाजिक काम, जिसको बोलते हैं हमारे असद अवसी साहब हमेशा कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है 80% खिदमत करती है, समाज सेवा करती है, 20% राजनीति करती है। उसी टारगेट को लेकर हम लोग पूरे ज़िले का दौरा कर रहे हैं, पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं और जो भी सामाजिक काम है उसके अंदर हम लोग अग्रसर हैं। अभी तक आपके नगर सेवक, नगर अध्यक्ष की जो आपने बात की है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये भी पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपने नगर सेवकों के लिए क्या व्यवस्था की है, किस तरीके से आपने रणनीति की है, किस तरह से आप इलेक्शन लड़ेंगे और किस तरह से किन लोगों को आप टिकट देने की इच्छुक हैं? हाल ही में पिछले साल अमरावती महानगर पालिका का चुनाव हुआ 2017 फरवरी के, जिसके अंदर MIM को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हमारे 10 कॉर्पोरेटर्स अमरावती शहर से चुनकर आए, 10 नगर पालिका और 3 नगर पालिका के अंदर अंजनगांव में कॉर्पोरेटर चुनकर आए। तो हम एक प्लानिंग के साथ में ही चल रहे हैं। हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बैरिस्टर साहब जिस तरीके से कहते हैं कि खिदमत, समाज सेवा, तो MIM जो है वो युद्ध के ऊपर, समाज सेवा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है और जो लोगों के रोज़ के छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं उनके अंदर हम ज़्यादा भागदौड़ करते हैं। हर ज़िला रुग्णालय हो, स्त्री जिला रुग्णालय हो, वहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता है वो बड़ी तादाद में उपस्थित होते हैं, किसी को खून की व्यवस्था करा कर देते हैं, किसी को बेड नहीं मिलता है बेड की व्यवस्था करा देते, किसी को साहब मसला ये एक ही नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं, खून और उप जिला रुग्णालय या अदरवाइज और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक मसला और है जो अचलपुर, मैं यहाँ के अध्यक्ष साहब से भी कहना चाहूँगा कि अचलपुर में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, अभी बेरोजगारी जो है, तो यहाँ के जो रनिंग आमदार है, यहाँ के रनिंग आमदार का काम था कि उन्होंने कुछ नियोजन करना चाहिए था, मैं नाम नहीं लेता किसी का, उनका काम था नियोजन करना चाहिए था कि भाई 10-10 साल से 15-15 साल से आप लोग यहाँ चुनकर आ रहे हो, तो आपने अभी तक, हमारा प्रश्न ये है कि अभी तक आपने अचलपुर को जिला घोषित क्यों नहीं किया? यहाँ पर आप कितने उद्योग लेकर आए, यहाँ कितने कारखाने लेकर आए,
आज अचलपुर तालुका चांदूर बाजार तालुका जो है आज भी बेरोजगार, पूरे नौजवान बेरोजगार है। कोई पुणे में जा रहा है नौकरी के लिए, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ के जो आमदार है और खासदार है, इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपना काम अच्छी तरीके से नहीं किया। अगर MIM पार्टी अगर चुन के आती है अचलपुर तालुका में, अचलपुर तालुका विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या करेगी आपकी पार्टी, क्या उद्योग के लिए क्या करेगी साहब? उसी के ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है। अभी चुनावी माहौल नहीं है, चुनाव को काफ़ी समय है विधानसभा को, एक डेढ़ साल के लगभग, मेरे ख्याल साल भर के लगभग अभी बाकी है। तो हम लोग अभी विधानसभा चुनाव के ऊपर फोकस ना करते हुए अभी जो यहाँ के जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, जैसा कि अभी आप पिछले महीने में क्या हुआ, नगर पालिका ने रात्र निवारा के लिए उर्दू स्कूल को यहाँ तय किया। उर्दू स्कूल के अंदर रात्र निवारा शुरू कर रहे थे, जिसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी यहाँ के जिम्मेदार हमारे अध्यक्ष हाजी शफीक कुरैशी साहब, इनकी पूरी टीम वहाँ रात्रि निवारा की जगह पहुँची। वहाँ पर इन लोगों ने पहले उनको समझाने की कोशिश की, वार्निंग दी, वार्निंग के बाद में भी वो उन्होंने स्कूल से रात्रि निवारा हटाए नहीं। तो हम लोगों ने वहाँ पर अपने MIM स्टाइल में काम किया और वहाँ पर रात्रि निवारा को हटाया, खत्म करवाया। ऐसे ही अभी आप लोग देखेंगे अचलपुर प्रतौड़ा के अंदर लोगों के ऊपर कई लाखों रुपयों के बिल थकित हैं। आमदार साहब ने और यहाँ के नगर पालिका के CEO ने या नगर अध्यक्ष ने ऐसी कोई स्कीम मजीपुरा से कांटेक्ट करके या मजीपुरा से पत्र व्यवहार करके ऐसी कोई स्कीम अचलपुर पतड़ा के नगरवासियों के लिए नहीं लाई कि भाई उनका ब्याज माफ हो जावे, उनको नल का बिल भरने में आसानी हो जावे, उनको नल का बिल भरने के लिए इंस्टॉलमेंट मिले। इसके लिए MIM जो है काम कर रही है। हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर हमारे सदर साहब की निगरानी में यहाँ चलाए हैं, उसको अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हम लोग यहाँ अभी खिदमत कर रहे हैं, हमारा बेस तैयार कर रहे हैं, उसके बाद भी हम चुनाव के बारे में सोचें। क्योंकि आप अध्यक्ष हो अमरावती डिस्ट्रिक्ट के, इसलिए मेरे मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि आप ये बता सकते हैं कि आपकी सीट कितनी चुन के आ सकती है इस इलेक्शन में, नगर अध्यक्ष इलेक्शन में या नगर सेवक के इलेक्शन में कितनी सीटें आ सकती हैं? साहब जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि नगर पालिका का जो चुनाव है 2016 में हुआ है अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अभी हमारे 2016 में चुनाव हो गया है। तो MIM यहाँ पर आई है तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई है, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं तो अभी हम खपने के लिए आए हैं, अपने आप को सिद्ध करने के लिए आए। हम चाह रहे हैं कि हम 4 साल में लोगों की ऐसी सेवाएं करें कि आने वाले 4 साल के बाद भी लोग खुद ब खुद ये बोले कि हमें यहाँ पे MIM का नगर अध्यक्ष चाहिए, हमारे को MIM का नगर सेवक चाहिए। अभी 4 साल समय बाकी है। ये थे हमारे साथ MIM के अमरावती डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नाजिम साहब।